रोजा, तुमने दोबारा वलीद भाई को कॉल किया? नहीं। क्यों? गुस्सा भी था और खौफ भी। ओफो, क्या होगा? अरे तुम गुस्से को छोड़ो और खौफ को खत्म करो। वैसे वलीद भाई को तुम्हारा फोन अटेंड तो करना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं भी कर रहे, तुम ऐसा करो, मामू को फोन करके उन्हें सारी बात बता दो। क्या हो गया तुम्हें? मामू और भी ज्यादा गुस्से में होंगे। तो तुमसे कोई बात करनी ना फजूली है। मैं अभी आती हूँ। जोया, कहाँ जा रही हो? आंटी, आंटी। हाँ जी। चले मेरे साथ, ये सब छोड़ें। अरे कहाँ लेके जा रही हो? अरे रोसा के कमरे में चले तो सही। अरे आंटी, आंटी आप इधर आइए। क्या हुआ रोसा? जल्दी से मुझे अपने मामू का नंबर बताओ। सोया प्लीज। अरे इतना बड़ा मसला नहीं है जितना आप लोगों ने बना लिया है। भाई किसी ना किसी ने तो मामू या वलीद भाई से बात करनी होगी ना। मुझे उरूसा ने वलीद से बात करने से मना किया है। तो आप अपने भाई से बात करें और उन्हें बताएं कि उनकी बेगम ने यहाँ आकर क्या किया। मुमानी ने बता दिया होगा, और अगर मामू ने अब तक कॉल नहीं की तो इसका मतलब वो नाराज है। मेरा ख्याल है तुम्हारी मुमानी ने ना ही अपने शौहर को कुछ बताया है और ना ही बेटे को। भाई हमें तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहिए ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नाराज होंगे। भाई वो तो अब भी नाराज है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं वलीद, आप वलीद से बात नहीं करेंगी। सोया, अम्मी वलीद से बहुत प्यार करती है, और अगर वलीद ने अम्मी को कुछ कह दिया तो मैं सारी जिंदगी उसकी शक्ल नहीं देखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारा मतलब है वो आंटी के साथ? गुस्से में इंसान के मुंह से कुछ भी निकल जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे मामू तुम्हारी अम्मी से बड़े हैं? हाँ। फाइन, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। भाई बड़े छोटों को डांट भी देते हैं, समझाते भी हैं, और आंटी बड़ों की बातों का बुरा नहीं मनाया जाता ना। बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो मैं भाईजान से खुद बात करूंगी। एक दफा पहले भी मैंने उनसे अपने हक के लिए बात की थी, इस दफा फिर करूंगी अपनी बेटी के लिए। लाओ फोन मिला के ये लीजिए। मना किया था आप लोगों, कोई फायदा नहीं है। अम्मी, सोया आई है, उसको आलू के पराठे बहुत पसंद है आपके हाथ के, बना दे। नहीं आंटी, दोपहर के टाइम पराठे? पराठे खाने का कोई वक्त नहीं होता। और अम्मी एक नहीं दो बनाइएगा। अच्छा चलो, तुम दोनों बैठो, मैं बना के लाती हूँ।